दार्चिक को देखा रहा हूँ मैं, दार्चिक गांव का जो सब ये सबसे पुराना रोड है, जो दार्चिक में जब यहाँ पर जो पुल या ब्रिज नहीं बना था तो लोग इधर ही से गांव में जाते थे, ये वाला। अब यहाँ से कोई नहीं जाता, मैं पहली बार कई दिनों के बाद, मतलब कई सालों के बाद, लगभग 15-20 साल के बाद इधर से जा रहा हूँ। ये रोड है, मैं तो अभी जिन से मैं आपको मिला रहा हूँ इनका शुभ नाम है, आपका नाम? मेरा नाम श्रीस्तोफदान है। श्रीस्तोफदान है, श्रीस्तोफदान इस रास्ते के बारे में बताएंगे। ये जहाँ ओल्डेस्ट रूट है जो गाँव में इंटर करने के लिए, तो बताएं सर इस रूट के बारे में कुछ, आपको जितना आपको जो भी नॉलेज है इस रूट के बारे में। ये तो मुगलों के टाइम से ही चल रहे थे, यहाँ से पुराना रास्ता है ये तो। हाँ, तो यहाँ पे कम से कम कुछ 6-7 साल हो गए यहाँ से चलना बंद कर दिया। सिर्फ 6-7 साल हो गए? जब से मैं सब लोगों को जब बताऊँ, जब से ये ब्रिज बना हुआ है, यही ब्रिज है, तब से लोग यहाँ से जाना इन्होंने बंद किया हुआ है। तो अब और बता दिया आप जितना कुछ जानकारी है, तो उसके बारे में 6-7 साल ही हो गए। हाँ, चलना बंद करके। हाँ, और अभी 6-7 साल में इतना खराबी आ गया। हाँ, तो यहाँ पे थोड़ा सा रास्ता टूट गया है। हाँ, क्योंकि यहाँ पे वैसे भी रास्ता एकदम बहुत रिस्की रास्ता है। हाँ, तो वहाँ से यहाँ पे राशन पड़ी। तो अभी भी हम यहाँ से जा सकते हैं कि नहीं जा सकते? अभी जा सकते हैं, थोड़ा सा रास्ता टूटा हुआ है तो गिरने का कोई संभावना, वो मैं संभाल के ले जाऊंगा आपको। हाँ, और जहाँ तक मुझे लग रहा है कुछ याद आ रहा है, यहाँ पर एक छोटी सी ब्रिज, लकड़ी के ब्रिज हुआ करती थी पार करने के लिए लोगों को। जी, वो ब्रिज पानी ले गया था तो बाद में जो है ना एक टाइम टेबल के हिसाब से आना पड़ता था। हाँ, अगर नीचे जाना होगा उसको टाइम टेबल के हिसाब से जाना पड़ता था। हाँ, ऊपर आते समय टाइम टेबल के हिसाब से। हाँ जी, वरना शाम होते ही हाँ पानी का बहुत ज्यादा हो जाता था। जो ये इंडस नदी इधर उधर जाना, हाँ रास्ता सोचो बंद ही हो गया। हाँ, तब तो इधर गाँव का अंदर इधर कहीं चली नहीं जा सकते। हाँ जी, तो जब से पुल लग गया तब तो आप काफी हाँ उपलब्ध हो गए। अच्छा जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अब मैं आपको ले जाता हूँ यहाँ से रास्ते से। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि बहुत डेंजर रोड है यहाँ पे। ओके, सब इधर ही चले जाते थे राशन पानी चढ़ा के गए। मैं सब को इधर ही चले जाते, इधर ही से तुझे चल पाते थे लोग? हाँ, ले जाए यहाँ से राशन चढ़ा के नीचे हमारा डीपी पड़ता है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। तो वहाँ से राशन चढ़ा के, पहले रोड भी नहीं था, कुछ नहीं था। हाँ, तो अभी सरकार ने हमें ब्रिज दे दिया, रोड दे दिया, उसको वजह से काफी हमें मदद मिली हुई है। शॉर्टकट भी हो गया रास्ता। अच्छा, उसको वजह से काफी मदद हो गया, वरना यहाँ से तो हमने, मैंने भी अपने फीट पे अपने राशन पानी घर में पहुँचाया है मैंने भी। ओहो, तो अभी तो बहुत साथ हो गए यहाँ से। चलो चले जी, आप यहाँ पर आज आए हो मेरे साथ, मतलब कितने सालों के बाद आ रहे हो? जी, मैं यहाँ उधर से 5 साल हो गए, 4-5 साल हो गए, मैं आज पहली बार आया यहाँ पे। जी जी, अच्छा, लास्ट टाइम आप 5 साल पहले आए थे यहाँ पे। ओके जी, थैंक यू जी आपको। चलिए, कभी कभार आ जाता होता है, तसली हो जाती है मन मन। हाँ जी, हाँ, इस रूट से हम चलते थे। हाँ जी, ऐसे मन में तसली मिल जाती है, इसकी वजह से आने का मन करता है। तो आज भी आपके साथ आ गया, थोड़ा इस रूट को देख लिया, थोड़ा तसली हो जाएगी मन को। हाँ भाई, और ये भी एक बहुत छोटा सा खूबसूरत सा झरना है यहाँ पर। यहाँ पे पहले बहुत पानी आ जाता था, बहुत कम हो गया पानी के छोटे। अच्छा, इस बार मतलब क्लाइमेट में बहुत चेंजेस आया हुआ है, इसलिए पानी की बहुत कमी देखने को मिल रहा है यहाँ पे। ऊपर से पानी ज्यादा आ जाता था, हाँ जी, बहुत कमी हो गई, नीचे से भी आ जाता था। ओके जी, ओके जी, यहाँ से हमें ऊपर इधर चढ़ने वाला रास्ता है जी। अच्छा अच्छा, और ये रोड बंद हो गए, कई लोग अभी आते नहीं, काम कम लोग, एक दो लोग आ जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, तो अभी ये रोड जो है इसके ऊपर भी घास उठ गया। हाँ जी, ये पेड़ छोटे छोटे पेड़ उठ गए। हाँ जी, रास्ता भी बंद हो गया। अच्छा, अब लगता है साइड से ही जाना पड़ेगा। तो गिरने का तो कोई गिरने का रिस्क ही नहीं है, तो नहीं है सिर्फ 30 मिल जाएगी और सिंगा नहीं मिलेगा। हाँ जी, अभी रास्ता इस तरफ पेड़ पौधे, इधर से कोई चला नहीं है ना। अच्छा, अभी रास्ता
तो आप लोग देख सकते हो यहाँ का नज़ारा, कितना खूबसूरत नज़ारा है। और अभी हम इस रास्ते से जा रहे हैं जो कि कई सालों से यहाँ पर ना के बराबर लोग बिल्कुल चलते ही नहीं यहाँ से। ओह ये देखिए, यहाँ से गिर गए तो सीधा नदी में गिर जाएंगे। और यहाँ जगह जगह यस ये देखिए, ओहो यहाँ से थोड़ा सा भी गिर गए। यहाँ से भी गिर जाए ना। हाँ जी हाँ जी, वो पत्थर के ऊपर छलांग मार के दरिया में घुस सकते। और ये देखिए, ये देख सकते हो आप यहाँ का नज़ारा, यहाँ से गिर गए तो बस। पहले हम यहाँ से यहाँ पे घास भूस चढ़ा के ले आते थे। हाँ जी हाँ जी, पानी ले आते थे। हाँ जी, पहले हम यहाँ पे राशन पानी लेके आते थे। हाँ जी, अभी ये देखो रास्ता पूरा टूट गया। ये देखिए हालत हो गया हमारा रास्ते का, सोच सकते हो आप लोग जी। ये तो अभी रास्ता खराब हो गया, वरना पहले यहाँ से लोग जानवरों के ऊपर राशन लाया करते थे। ओहो, ये देखो यहाँ से गिर गए तो उम्मीद है मैं चल पाऊँ यहाँ से। मुश्किल है यार, तो ये रास्ता बहुत ही खतरनाक है। हाँ, अब जाने लायक नहीं होता क्योंकि यहाँ से पूरा पत्थर निकल गया यार। ओहो जी जी, लग गए मरने वाले आज जी जी। अब इसकी आप हमें यहाँ से वापस चलना पड़ेगा। मैं तो चढ़ जाऊँगा, आप चढ़ नहीं पाएंगे यार। मैं तो चढ़ जाऊँगा, पहाड़ी बन रहा हूँ मैं। और रास्ता आगे खराब है कि यही ऐसे दिखते चल रहे, देख ले थोड़ा सर, जूता निकाल के जाना पड़ेगा। अरे चप्पल भी जाना सर। ये तो गिरेगा नहीं, नहीं। सही में चल फिर, चल ऑफिस चलते, जाने तो जहाँ है। मैं तो जाऊँगा, सही में चल ऑफिस चलते। ये तो मुझे कुछ कंफर्म नहीं है, थोड़ा यहाँ देख के डर भी लग रहा है। ओहो चल वापस चलते हैं फिर, ऐसा ना हो कि सीधा नीचे पहुंच जाए। हाँ है भी है, क्योंकि यहाँ से रास्ता टूट गया, वहाँ थोड़ा सा फिसल गए तो हम सीधा जाएंगे यहाँ से। पहले तो हम यहाँ से यक ले जाते थे, यक के ऊपर राशन चढ़ाते। अब तो यहाँ पर तो इंसान भी चलने का लायक नहीं है। मुझे लगता है लोगों को ये रोड फिर से एक बार बनाना चाहिए, रिपेयर। हाँ, रिपेयर करने से, क्योंकि यहाँ का लाइफ मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, एडवेंचर टाइप का ये लाइफ। यहाँ पे पुराना रास्ता है, इसको थोड़ा जिंदा रखना चाहिए। बहुत खूबसूरत है, मन तो कर रहा है जाने का यहाँ से, लेकिन डर भी लग रहा है। हाँ, डर भी पाएंगे आप, अपने जैकेट में रख देते हैं आपको, फिर भी आपका भरोसा नहीं आपका साथ। चलो चलो, धन्यवाद धन्यवाद, चलिए फिर चलिए चलिए चलिए। बहुत दूर से कहना पड़ रहा है, हम यहाँ से ऊपर चढ़ नहीं पाए, फिर वापस जा रहे हैं। मन था इधर से ऊपर जाने के लिए, जाना चाहते थे हम दोनों। हम फिर से वापस जा रहे सर, जा रहे हैं हम। अब तो उजड़ना तो उजड़नी है, क्योंकि ऊपर से पानी आ जाता है। ये देखो हम इधर से जाना था हमें, और शायद 200 मीटर का रास्ता बाकी बचा हुआ था, या 100 या 200 मीटर का ही, उसके बाद हम ऊपर गांव में पहुंच जाते। अनफॉर्चुनेटली हम यहां से चढ़ नहीं पाए, क्योंकि जो ये दिख रहा है ये शायद गिरने का भी चांस था। जहां पर हम यहां पर पैर रखते तो ये शायद गिर भी जाता, और हम सीधा यहां पहुंच जाते।
गिर 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 के सीधा इतने पहुंच जाते और मार दस। हाँ तो ये जो यहाँ पर घास उगे हुए हैं, घास पर कौन ले जाता है? यहाँ कोई लेता है कि नहीं लेता है? नहीं कोई लेता नहीं इस घास को, इसीलिए तो ये इतना बड़ा हो गया। ये जो घास है, हाँ इस घास को लेते हैं। हाँ ये घास जो है ना भेड़ बकरी के लिए अच्छा होता है, इससे दूध ज़्यादा आ जाता है। और ये इस रास्ते में चले नहीं ना, जब तक कोई बंदा उस जगह पर ट्रेवल नहीं करेगा तब तक वो चीज़ जो है ना ज़्यादा वो रहता नहीं। कहीं पानी गिर जाता है, कहीं पत्थर लग जाता है, कहीं कोई ना कुछ पानी को ये पूरा भाग ले जाता है। उस पर कुछ मरम्मत भी नहीं किया जाता है, कोई चल ही नहीं रहा। मरम्मत क्या कैसे करेगा जब रास्ता अच्छा बन गया ऊपर, तो इधर से आने का मन किसको करेगा? करेगा ही नहीं। सही सर, बहुत सही कहा आपने। आप देखिए इसके बीच जरा बहुत खूबसूरत पेड़ लग गया है। हाँ ये देखिए, और 10 दिन में तो पता भी, अगले साल तक तो पता भी नहीं चलेगा कि हाँ भाई इधर से कोई रास्ता है। हाँ जी नहीं, मुझे लगता है ये रास्ता को शायद गांव वालों को रिपेयर करना चाहिए। रिपेयर करने तो अच्छा, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत रास्ता है। हाँ वो तो है, देखने लायक रास्ता है, देखने लायक है। तो बाहर से लोग, कोई लोग यहाँ पर विजिट करने आते हैं तो यही रास्ता इस लाया करो, क्योंकि बहुत खूबसूरत रास्ता है, मुझे तो बहुत खूबसूरत लगा है। हम फिर से वापस जा रहे हैं, जाना था हमें ऊपर फिर लौट कर। हमें यहाँ ऊपर जाना था, ये गांव का सबसे पुराना रास्ता हुआ करता था, अभी ये बिल्कुल बंद है, लोग बिल्कुल जहाँ से चलते भी नहीं। अब जा कर यहाँ से लोग जा नहीं पाएंगे, क्योंकि अभी आप लोग ने देखा यार इस रास्ते का हालात। मुझे तो ये रास्ता बहुत खूबसूरत लगता था, और हर साल इसी सीजन में ये नदी लगभग यहाँ तक पहुँचती थी, इस बार वहीं पर अटकी हुए। चलिए सर,